नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोजी बनाती हूँ बट ये है कि आज कुछ ऐसा बना रही हूँ जो मुझे लगा आप सबको शेयर करना चाहिए। सो नॉर्मल सिंपल सा दलिया का खिचड़ी है, हम रोज़ रात को जल्दी यही खाते हैं। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे दलिया का खिचड़ी का रेसिपी मिल जाएगा बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, मशरूम वाला दलिया एक्सेट्रा। आज नॉनवेज दलिया है, चिकन डाल के मैं बना रही हूँ। ये बहुत हेल्दी है, अगर आप जिम जाते हो या वेट लॉस करने का सोच रहे हो। वैसे तो मैं सोचती हमेशा ही हूँ बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, बट लेट्स सी। कुछ लाइट खाना चाहते हो, कुछ हेल्दी खाना चाहते हो, अपने बच्चे को कुछ अच्छा देना चाहते हो तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं। सो टू बिगिन विथ, यहाँ पे मैंने इस मेजरिंग कप का, ये हाफ कप है, इसका मैंने भरा हुआ हाफ कप दाल लिया है, मूंग एंड मसूर दाल का मिक्सचर है एंड वन कप ऑफ दलिया मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ये जो टोटल क्वांटिटी है ये 2-3 पर्सन के लिए है, तो आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से कम 3-4 times नॉर्मल पानी से वॉश करके लेना है। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज का प्याज को काट के, और एक बड़ा टमाटर है उसको चॉप करके लिया है, और 3-4 लहसुन लिया है जिसको मैं यहाँ पे हल्का सा क्रश कर लूँगी ताकि लहसुन का जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से निकल के आए। ज़्यादा इसको आपको बिल्कुल पेस्ट जैसा नहीं बनाना है, जस्ट थोड़ा सा इसको क्रश कर देना है, दैट्स इट। सो वेरी सिंपल सा रेसिपी है, कुछ भी नहीं करना है आपको फैंसी। एक कुकर लेना है एंड उसमें जो धो के हमने दलिया एंड दाल रखा था उसको डालना है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, लाइक 1/2 teaspoon ऑफ हल्दी, 1/2 teaspoon से थोड़ा कम रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला एंड थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पे मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे मैंने डाल दिया ये जो क्रश करके हमने गार्लिक रखा था उसको। अब पानी डालेंगे, यहाँ पे मैं 2 glass और बाद में थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी, तो करीब मैं यहाँ पे टोटल 2.5 glass पानी डाल रही हूँ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पीसेस। यहाँ पे मैं 200 ग्राम्स के करीब चिकन ऐड कर रही हूँ, ये बोनलेस चिकन पीसेस है, इसको मैंने पहले से ही 1 या 2 दिन पहले से ही मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, बोनलेस चिकन के पीसेस लाके उसको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, और हर एक बाउल में 150-200 grams ऑफ चिकन रहता है, तो टोटल यहाँ पे मैंने 400 grams के करीब चिकन ऐड कर दिया है। और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, एक दो चुटकी हींग बहुत है। और अब इन सारी चीज़ों को मिला के इसका कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 3-4 सीटी आने तक अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे। तो जब तक हमारा कुकर में दलिया पक रहा है, सीटी लग रहा है, तब तक हम एक काम और करेंगे, वो है एक तड़का तैयार कर लेंगे इस दलिये के ऊपर से डालने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई गरम करूँगी और उस पर मैं डाल दूँगी
थोड़ा सा बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल। आप यहाँ पे कोई भी ऑयल या घी का यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली ऑलिव ऑयल में खाना पकाती हूँ, इसीलिए मैंने वही वाला ऑयल यहाँ पे यूज़ किया है। ऑयल का थोड़ा सा गर्म होते ही डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई होने देंगे और फिर डाल देंगे इसमें हम ऑनियंस। ऑनियंस को लगभग 5 to 6 मिनट मीडियम आँच में हमें पकाना है, सो दैट ऑनियन थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, ब्राउनिश हो जाए, तब तक हम पकाएंगे इसको। ऑनियन हमारा थोड़ा सा पक चुका है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ये टमाटर, और अब इसको फिर से हम और 5 to 6 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे तरीके से स्मैश ना हो जाए। अब हमारा ये पक चुका है ऑलरेडी दलिया का, जो हमने प्रेशर कुकर में पकाया था। देख सकते हो आप ये कॉन्सिस्टेंसी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जनरली ये अभी गर्म है, जब हम इसको सर्व करेंगे तब तक ये थोड़ा सा और सॉलिड हो जाता है। तो अब हमारा जो तड़का हमने तैयार किया था उसमें हम इसको डाल देंगे और अच्छे तरीके से मसालों के साथ पूरे जो दलिया का खिचड़ी है इसको मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए हमारा बन गया यम्मी सा हेल्दी दलिया का खिचड़ी विथ चिकन पीसेस। आप इसको घी के साथ परोसे, अचार या दही या पापड़, जो भी आपको पसंद है आप उसके साथ इसको ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चिकन के जगह आप पनीर के पीसेस या फिर सोयाबीन के पीसेस डाल सकते हैं। सोयाबीन के साथ ये बहुत यम्मी लगता है। मैं नॉर्मली कभी चिकन पीसेस डालती हूँ, कभी सोयाबीन के पीसेस डालती हूँ, तो दोनों ही तरीके से आपको ये बहुत यम्मी लगेगा। बहुत ईजी है, झटपट बन जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अचार के साथ खाऊंगी। तो आई रियली होप आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय।